आज भी तो मंत्री जी कलेक्टर वाले लुक पे वापस आ गए। एक बार आप पहन के आना फिर बताएगी। इसके लिए फिटनेस लगता है, पेट को छुपाने के लिए कुर्ता पजामा पहनना उचित नहीं। कुर्ता पजामा अच्छा है लेकिन पेट को छुपाने के लिए अच्छा नहीं है। कोटवारी जमीन के पंजीयन के लगभग 18 से ज्यादा मामले पंजीयन कारण से निष्पादित किए गए पंजीयन करके, जबकि राजस्व अभिलेखों में उसको कोटवारी जमीन अंकित रहता है, उसके बावजूद वो पंजीयन कर दिए गए। कोटवार के जमीन दो प्रकार के होते हैं, एक होते सेवा भूमि, एक होते मालगुजारी जमीन। इसमें देखना पड़ेगा कि राजस्व विभाग से जो रिपोर्ट आया उसमें गड़बड़ी थी या पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने गड़बड़ी की। और लोगों ने केस पे जिन्होंने जमा किया और लोगों ने ड्राफ्ट जमा किए तो उसको मना कर दिया, उसको कैसे रायपुर के कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण देके केस की डिटेल दे दूंगा। कि हर बात को तो विधानसभा में नहीं लगा सकते ना, कितनी समस्या को विधानसभा में लाते रहेंगे। अकूत भ्रष्टाचार होता है, हर बिना पैसे दिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और आने वाले समय में पेपरलेस, मोबाइल ऐप और फेसलेस रजिस्ट्रेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में घर से लोग माननीय अध्यक्ष महोदय ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया प्रश्न पूछने का। मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से है, परंतु जो प्रश्न पूछा उस पर आए हुए जवाब से कई पूरक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला पूरक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पंजीयन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री पूर्व मौके का पर भूमि का सत्यापन नहीं करना और भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य खुली भूमि बताकर कराया जाता है, जिससे शासन को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती, शुल्क में कमी आती है। इसे रोकने के लिए आप निर्देश जारी करेंगे क्या, और समय समय पर इसके संबंध में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसके निराकरण की क्या व्यवस्था है? आज वित्त मंत्री जी कलेक्टर वाले लुक पे वापस आ गए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार आप पहन के आना फिर बताएंगे। इसके लिए फिटनेस लगता है, पेट को छुपाने के लिए कुर्ता पजामा पहनना उचित नहीं। कुर्ता पजामा अच्छा है लेकिन पेट को छुपाने के लिए अच्छा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय सदस्य जी ने प्रश्न उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है, और पंजीयन में उन्होंने कई प्रकार के विसंगतियों का उल्लेख किया है, और इनको रोकने के लिए पंजीयन में बहुत सारे सुधारों की प्रक्रिया हम लगातार विभाग द्वारा किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी के भी स्टेप लेने की हम प्रयास कर रहे हैं, जो और विशेष रूप से अभी पिछले 7 महीने में जो एक कदम उठाया गया है वो विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन करने का किया गया है अध्यक्ष महोदय। विजिलेंस सेल रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया गया है, जो बड़े केस हैं, विशेष केस हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड केस हैं, या भू व्यपवर्तन जो डाइवर्सन हो जा रहता है उस तरह के केस हैं, उनको आकस्मिक रूप से भी देख सकेगी, और कोई शिकायत आएगा तो उसकी उच्च स्तरीय जांच करने के लिए एक सेपरेट विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ विजिलेंस सेल का गठन किया है अध्यक्ष महोदय। किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब अपूर्ण है। मैंने पूछा है समय समय पर शिकायतें करने के कोई प्रावधान की व्यवस्था बनाई है क्या, इन्होंने कहा राज्य स्तरीय, जबकि शिकायतें जिला स्तर पर पंजीयक कार्यालय पर होती हैं। चलिए इस पर दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ। बेलतरा विधानसभा, जिस पर मेरा प्रश्न आधारित है, शासन के नियमानुसार राजस्व अनुभागीय अधिकारी द्वारा समय समय पर टुकड़ों पर प्रतिबंध लगाकर राजस्व खसरों पर रोक लगाने की व्यवस्था दी गई है, परंतु देखने में आया कि प्रतिबंध के बावजूद भी वो संबंधित खसरे और रकबे की रजिस्ट्री कर दी जाती है पंजीयन विभाग द्वारा, तो क्या इस संबंध में दोषियों पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत के संबंध में पहले सदस्य महोदय ने कहा, तो वहाँ पर जो शिकायत जिला स्तर पे की जाती है उनमें ज़्यादातर ये रहता था कि वही लोग पंजीयन किए रहते हैं और वहीं पर शिकायत होती है, इसलिए निराकरण क्वालिटी तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए उच्च स्तरीय एक अलग से सेल का गठन किया गया, ताकि जिला स्तर पर भी जो शिकायत होती है उसका अच्छे तरीके से निवारण किया जा सके। और जो भूखंड के टुकड़ों के बारे में सम्माननीय सदस्य की चिंता है वह भी बहुत जायज चिंता है, और जो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बेलतरा के लिए जो प्रश्न किया है उसमें भी कई खसरों को प्रतिबंधित किया गया है,
और जिन खसरों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें अगर कोई भी रजिस्ट्री हुई हो तो उसकी जानकारी सदस्य महोदय मुझे दे सकते हैं। हमारे पास जितने अभी जानकारी आई है उसमें किसी प्रकार के शिकायत का उल्लेख होना नहीं है। इसका अभी तक कोई हमारे पास शिकायत नहीं आई है। अगर कोई भी खसरे में जो प्रतिबंधित खसरा है, प्रतिबंधित खसरों की सूची मैं सदस्य महोदय को दे दूंगा और अगर उसमें कोई भी पंजीयन हुआ होगा तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय और संज्ञान में आया है कि आपके कार्यकाल के समय ही कोटवारी जमीनों पर प्रतिबंध की व्यवस्था 2007 और 2008 में लगाई गई थी, परंतु पिछले 5 वर्षों में बेलतरा विधानसभा और बिलासपुर जिले में कोटवारी जमीन के पंजीयन के लगभग 18 से ज्यादा मामले पंजीयन कारण से निष्पादित किए गए हैं पंजीयन करके, जबकि राजस्व अभिलेखों में उसको कोटवारी जमीन अंकित रहता है, उसके बावजूद वे पंजीयन कर दिए गए। ऐसे जमीनों को क्या निरस्त किया जाएगा पंजीयन? मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवारी भूमि शासकीय भूमि ही होती है, उसे केवल सेवा के जो शासन के प्रति सेवा जो करता है कोटवार उसके लिए सेवा भूमि के रूप में प्रदान किया जाता है ताकि उसमें खेती करके कमा खा सके। वो कहीं से किसी व्यक्ति का जमीन होता ही नहीं है और पहले बहुत सारे प्रकरण हुए थे कि कोटवारी जमीनों को बेच दिया गया था और आप जब आपकी सरकार थी उस समय इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। तो अगर ऐसा कोई मामला है जो पिछले सालों में हुआ है जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने कहा है तो उसकी निश्चित रूप से हम जांच कराएंगे और जो इसमें देखना पड़ेगा कि राजस्व विभाग से जो रिपोर्ट आया उसमें गड़बड़ी थी या पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने गड़बड़ी की, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो ऐसा केस हुआ है कोटवारी जमीन के खरीद बिक्री का तो वो किस स्तर पर है क्या, क्योंकि कई केस ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जिनमें हुआ है, कार्रवाई करने के लिए पहल भी की गई लेकिन वो किसी न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में स्थगन की स्थिति में है, तो जो भी स्थिति में होंगे हम कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक एक करके छोटा छोटा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग तैयार है, छोटा प्रश्न। एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने पूर्व सरकार ने 30% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी, आपने उसके जाकर के आपने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी, तो क्या रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाए तो क्या उसके अंदर कैश पेमेंट ही आपने स्वीकार किया, चेक या ड्राफ्ट से क्यों स्वीकार नहीं किया पंजीयन कार्यालय में, इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। हजारों केस ऐसे माननीय अध्यक्ष जी के लोगों ने जाकर के चेक दिया, ड्राफ्ट दिया, मना कर दिया साहब ये नहीं लगेगा कैश पेमेंट, तो कितने लोगों ने इस प्रदेश के अंदर जो 30% छूट दी उसका लाभ उठा करके कितने परसेंट लोगों ने जो आपकी शुल्क थी वो नगद में जमा की है, यह आंकड़ा आपके पास होगा या एक बार इसका परीक्षण कराएंगे, यह मेरा आग्रह। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो बिंदु उठाया है गाइडलाइन दर का उस पर मैं कुछ सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि सम्माननीय सदस्य ने एक लाइन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया, तो उसे मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पिछले सालों में पिछली सरकार के समय में 30% की छूट गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था, उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2024 तक का था। 31 मार्च 2024 को वह जो नोटिफिकेशन की डेट थी वह स्वयं में वो समाप्त हुई है, तो कोई बढ़ाने वाला विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट, मैं सुन तो लो, मैं गाइडलाइन का नहीं कह रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा, पहले आप सुन लीजिए, कैश पे भी आऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय पहले मेरा जवाब देने दिया जाए, तो इसमें बहुत सारे विषय आए अध्यक्ष महोदय प्रदेश में कि गाइडलाइन रेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जब कैसा कुछ नहीं था, बढ़ाया नहीं गया था, नोटिफिकेशन का डेट खत्म होता, एक बिंदु। दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जब हम सोचते हैं कि गाइडलाइन रेट का कम है या ज़्यादा है तो उसका सीधा प्रभाव केवल जमीनों के प्लाट के खरीदी बिक्री करने वाले लोगों और बिल्डर पर ही शहरों में ही नहीं पड़ता है। गाइडलाइन रेट जब कम होता है अध्यक्ष महोदय तो उसका प्रभाव भू अर्जन होने वाले किसानों पर भी पड़ता है, और 5 सालों से जो जमीन का रेट नहीं बढ़ा था बल्कि उससे 30% कम कर दिया गया था, उससे भू अर्जन में 4 टाइम्स
30% की कमी, मतलब 4 times में 120% का भू अर्जन में किसानों को नुकसान हो रहा था अध्यक्ष महोदय, इसलिए ये स्टेप किसानों के हित में भी रहा। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जब मार्केट रेट में और गाइडलाइन रेट में बहुत अंतर अगर आ जाता है तो लोअर मिडिल क्लास के लोग, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो उनको लोन चाहिए गाइडलाइन रेट कम होने के कारण लोन नहीं मिल पाता अध्यक्ष महोदय, इसलिए भी यह स्टेप मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफ़ी लाभकार हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैश में उसके पेमेंट हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इसकी हम अभी मेरे पास जानकारी नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और आगे बताना चाहूंगा कि आगे के लिए। एक मिनट जी, एक मिनट सर, ये सबसे बड़ा विषय यही है इसमें अध्यक्ष महोदय कि सामान्य रूप से आपने गाइडलाइन में 30% की कमी कर दी, उसके अंदर एक नंबर का पैसा आदमी का कम लगा आपने, लेकिन उधर जाके स्टाम्प ड्यूटी में तो अंदर तो आपने वो कर दिया लेकिन मुद्रांक शुल्क के अंदर जाकर के आपने कमी कर दी। लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्री शुल्क तो पटाई लेकिन रजिस्ट्री शुल्क जहाँ भी है पूरे प्रदेश में 99% केस में जमा हुआ है। मेरा इतना ही निवेदन है कि एक तरफ राजस्व का नुकसान भी किए उधर, और लोगों ने केस में जिन्होंने जमा किया और लोगों ने ड्राफ्ट जमा किए तो उसको मना कर दिया, उसको केस है रायपुर के कहेंगे तो मैं आपको उदाहरण देके केस की डिटेल दे दूंगा, मेरा इतना ही आग्रह इसको दिखवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोल रही मैं आज उत्तर दे दिया है मेरे साथ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कहा थे कि कोटवार मन के जमीन है पूरा शासकीय जमीन होते, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, फिर आप अन्य को अवसर देंगे, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोटवार की जमीन दो प्रकार के होते हैं। मूल प्रश्न पूरा हो जाए फिर अन्य सदस्यों को भैया निवेदन है आपसे। ये जी मैं आपको मौका दे दूंगा। जो कोटवारी जमीन का विषय आया था उसमें उन्होंने सेवा करने वाला विषय बताया, जबकि मालगुजारी से प्राप्त भी कोटवारों की जमीन पर भी रोक लगी हुई है, वो भी पंजीयन निष्पादित हो रहे हैं। लेकिन एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सिस्टम में, पैन वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं है आज दिनांक तक, आधार वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं है आज दिनांक तक, पंजीयन शुल्क ऑनलाइन लेने के लिए कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं है, नगरी निकाय राजस्व और TNC जिसको हम अर्बन आवास के माध्यम से मानते हैं इनके कोई संयुक्त कार्य प्रणाली नहीं है, इस कारण से ये जो अवैध पंजीयन है जिसमें शासन को राजस्व की हानि होती है ये लगातार बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी प्रणाली आने वाले समय में स्थापित की जाएगी जिससे राजस्व की प्राप्ति में कमी ना हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत मेजर रिफॉर्म्स हम लोग लगातार कर रहे हैं, पूरे रजिस्ट्री के प्रोसेस को पेपरलेस बनाने का के लिए हम स्टेप ले रहे हैं, और सम्माननीय सदस्य ने आदरणीय राजेश मूणत जी ने भी प्रश्न उठाया था कैश पेमेंट का, तो ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है, और जो कैश पेमेंट अगर कोई कर रहा है तो उसको छूट जरूर दी गई है कैश पेमेंट करने से, लेकिन पैन कार्ड का और आधार कार्ड का इंटीग्रेशन भी इस प्रोसेस से कर दिया गया है, तो अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उसकी पूरी जानकारी पैन के साथ अटैच की जा सकती है, और कोई इनकम टैक्स में चोरी करने का प्रयास करेगा तो उसमें उसे आसानी से कैच किया जा सकता है। ठीक, ये प्रोसेस कर दिया गया है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और आने वाले समय में पेपरलेस, मोबाइल ऐप और फेसलेस रजिस्ट्रेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में घर से लोग ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। बाकी लोग पूछ रहे थे, तीन प्रश्न हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग का भी प्रश्न अध्यक्ष महोदय 20 मिनट एक ही प्रश्न में हो गए, आपके तीन प्रश्न हो गए शासन स्तर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय इसी में पूछ रहे हैं बाकी लोग भी, चलिए एक ही प्रश्न 20 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लगा है आपसे सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। अंबिकापुर पंजीयन कार्यालय बहुत छोटा है, वहाँ पर पंजीयन कराने वालों की संख्या बहुत है, बैठने की वहाँ व्यवस्था नहीं रहती है, और अगर उपपंजीयक छुट्टी में चला गया तो दूसरे उपपंजीयक की वहाँ उपलब्धता नहीं है, और ID चेंज करने में कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं, उस पीरियड में पंजीयन कार्य बंद हो जाता है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है।
खाली आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ। हमारी कंपोजिट बिल्डिंग वहाँ तैयार है, उसमें अगर शिफ्ट करोगे अभी के प्रश्न में आ रहे हैं कि बगैर मूल्यांकन किए पंजीयन जब होते हैं तो पंजीयन अधिकारी संबंधित रजिस्ट्रेशन को रोक कर मूल्यांकन करने जाते हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त करके उस अवैध खसरे को पंजीकृत कर देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी कि नहीं। चलिए चलिए धर्म जी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत रेवेन्यू का मसला बहुत पेचीदा है, हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में। ये कोई सुशांत शुक्ला जी की अकेले समस्या नहीं है और ये बिलासपुर की समस्या नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सदन में बैठे हुए 90 विधायकों को, जिनका जिनका भी जिला है, वहाँ के कलेक्टर को आप ये निर्देश देंगे क्या कि वहाँ पर TNC के लोग रहें, रजिस्ट्रार रहे, तहसीलदार रहे, संबंधित SDM रहें, और एक दिन सिर्फ रेवेन्यू के लिए कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में, सांसद विधायक की उपस्थिति में, हो सके तो प्रभारी मंत्री अगर वहाँ रह सकते हैं तो उनकी उपस्थिति में सिर्फ रेवेन्यू के मसलों में हमारी बात को सुनने का प्रयास सरकार करेगी क्या? एक, और दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय कि हर बात को तो विधानसभा में नहीं लगा सकते ना, कितनी समस्या को विधानसभा में लाते रहेंगे हम। तो आप जिले स्तर पर एक समय के अंदर में मीटिंग फिक्स करेंगे क्या? गवर्नमेंट का ऑर्डर जाएगा क्या कि हम लोगों को बुला के हमारे अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग समस्या है तो उसमें रजिस्ट्रार रहे, TNC रहे, SDM रहे, तहसीलदार रहे, कलेक्टर रहे, हम वहीं के वहीं अपनी बात कहेंगे, उनको अपनी तकलीफ भी बताएंगे और उनको अपनी शिकायत भी देंगे और हम सरकार का पक्ष भी जानेंगे कि आप उसमें क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके आप सदन में घोषणा करें कि हर जिले में मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें विधायक को कंपलसरी बुला के उनके समक्ष ही, और सांसद को और प्रभारी मंत्री आए तो उनका तो अधिकार भी है, स्वागत भी है। तो ये मीटिंग आप फिक्स कराएंगे क्या? हम आपका 80% प्रॉब्लम हमारा वहीं सॉल्व होगा, और नहीं होगा तो आज सुशांत लगाए हैं, अभी मेरा ध्यानाकर्षण आ रहा है भुइयां वाला, तो ये प्रश्न पूछ पूछ के कितना लगाएंगे? उतना तो कार्यकाल नहीं होता, प्रश्न होंगे, लंबा होगा। आप बता दीजिए प्लीज। हाँ बोल, अवसर दे रहा हूँ एक दो लोगों को जवाब, आप सबका सुन लो आप, फिर आखिरी में एक जवाब दे देना। राम कुमार, चलो राम कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी बोला थे कि कोटवार मन के जमीन है पूरा शासकीय होते, लेकिन वो तो कलेक्टर रह चुके हैं अभी मंत्री है। कोटवार के जमीन दो प्रकार के होते, एक होते सेवा भूमि, एक होते मालगुजारी जमीन। तो मालगुजारी जमीन है, आप जैसे गौटिया मन सेवा करे बदे रहा, और वो मन के पक्का जमीन है, शायद आप लोग मंत्री या कलेक्टर जानकारी होना चाहिए। कोटवार तो ऐसा है, ऐसा कमजोर व्यक्ति है, थानेदार जाते कोई मर गए फंसा के और निकाल, कलेक्टर चल दी और निकाल, हर चारों तरफ लोग कोटवार है, डंडा खाते, डांट खाते, और उकर जमीन के पता नहीं कहा, बस सब उकर दुश्मन है। मोर आपसे निवेदन है, चार पीढ़ी ले सेवा कर दावा थे कोटवार का, जाके देखे दू भूते चौ नहीं रहे, उकर लिए भी हम लोग चिंता करना चाहिए। और सब से जुड़ मिलके मैं कहना चाहता हूँ, कोटवार के जो मालगुजारी जमीन है बोला पक्का जमीन करके देवा, बोला छेड़खानी मत करा, वो मन इंसान है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मालगुजारी जमीन के का आपके सोच है, आप ये बताओ आज। ठीक, चलिए ना, अभी अध्यक्ष जी अभी पूछ लीजिए। अध्यक्ष जी आप बैठिए। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चूंकि रजिस्ट्री के संबंध में माननीय चर्चा हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी ज्यादातर मैं अपने जिले में देखा हूँ कि रजिस्ट्री जो शुल्क लिया जाता है वो तो राजस्व में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सारे रजिस्ट्रियों में अनिवार्य 3,000, 5,000, 10,000 से रेट बंधा हुआ है। अकूत भ्रष्टाचार होता है, हर बिना पैसे दिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती, उसको रोकने के लिए क्या आप कोई सार्थक कदम उठाएंगे क्या? मैं आपसे निवेदन, जवाब दे दीजिए सबकी ओर से। जी, सम्मान्य महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स इसमें कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट, पैन कार्ड से इंटीग्रेशन, आधार कार्ड से इंटीग्रेशन, रेरा के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, भूया सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन, ये सारे स्टेप ले रहे हैं, मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स को कोई देख सकता है, अपलोड कर सकता है, इस स्तर तक हम ले जाने का बड़ा काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य राजेश जी ने अंबिकापुर का विषय उठाया कि वहाँ पर कम होने के कारण सेटअप की समस्या आती है,
अध्यक्ष महोदय पिछले इस बार के 2024-25 के बजट में रेवेन्यू स्टाफ में 15 तहसीलदार नायब तहसीलदार का पोस्ट रायपुर में सैंक्शन किया गया ताकि काम अच्छे से हो सके। इसी तरह के अगर सेटअप रिवाइज करने की ज़रूरत है तो अंबिकापुर और रायपुर दुर्ग भिलाई सब जगह के लिए देख करके इसको सेटअप को भी रिवाइज करेंगे। जो रामकुमार जी ने विषय उठाया है कोटवारी का, वो मूल रूप से राजस्व विभाग का विषय है और दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी संदर्भ में मैंने कमेंट किया है कि शासकीय जमीन जो होती है वो सेवा भूमि होती है, लेकिन कोटवार के हितों का पर्याप्त संरक्षण किया जाएगा। मालगुजारी जमीन, जो मालगुजारी का अलग कैटेगरी है, शासकीय भूमि भी सेवा भूमि के रूप में दी जाती है। और सम्माननीय सदस्य धर्मजीत जी ने उठाया है कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ इसका समाधान हो पाएगा। सब लोगों का इंटीग्रेशन रहेगा तो टुकड़े की जमीन नहीं बिक पाएगी, तत्काल भूया सॉफ्टवेयर से लिंक रहेगा तो नामांतरण वगैरह हो पाएगा। बट उन्होंने जो कहा है स्थानीय स्तर पर बैठक करने के लिए, उसके लिए हम निश्चित रूप से संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे और ये बैठक सुनिश्चित कराएंगे। और जो गजेंद्र जी ने कहा है कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी ला के टेक्नोलॉजी ला के चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं पर कोई विशेष शिकायत हो तो तत्काल हमें दें, हम उसकी तत्काल जांच कराएंगे। और रेवेन्यू के वृद्धि का जहां तक सवाल है अध्यक्ष महोदय, 697 करोड़ तक इस अवधि तक का पिछले साल का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 790 करोड़ हुआ है। जी। और सम्माननीय सुशांत शुक्ला जी ने जो बात उठाई है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ पे जांच, तो इसके लिए राज्य स्तर पे जांच टीम गठित की जाएगी और जांच टीम को वहाँ पर उनके बेलतरा विधानसभा में भेजा जाएगा। ठीक हो गया, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई गजेंद्र यादव जी जो बात उठाए उसका उत्तर नहीं आया है, वो पूरा प्रदेश में है, राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। चलिए, खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।